भाई फाइनली अपनी वाली हिमालय आ गई है। सर्वाइव करना मुश्किल है भाई, बुरी हालत है। राम राम जी सारे। ना कल भाई भूकंप आ गया था यहाँ पे दिल्ली में, तो है ना बेड ऐसे ऐसे हिलने लगा, तो मैं उठ के भाग गया था बाहर। पर यहाँ पे है ना क्रैक आ गई है थोड़ी थोड़ी, ये यहाँ पे पूरे में क्रैक आ रही है। तो मैंने आज सुबह ओनर को बोला है कि ऐसे ऐसे क्रैक आ गई है पूरे में, तो वो बोला कि हमने कह दिया है जो बिल्डर मेकर है वो आएगा और इसको फिक्स वगैरह कर देंगे आगे। तो टेंशन मतलब मैं ये बिल्डिंग पढ़ ना जाए भाई, ऐसा पंगा है, इतना डर लग रहा है अब तो मुझे, अगर कोई थोड़ा ज़्यादा तेज़ आ गया ना तो गिर जाएगी बिल्डिंग कहीं ना कहीं। यहाँ पे है ना गुड़गांव में भी भाई इतनी भयंकर हालत है यहाँ पे पॉल्यूशन की, सही में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है भाई, दिल्ली से ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। अब फील इट दिस पॉल्यूशन, लेकिन दिस इज अमेजिंग गोइंग। तकरीबन 2 दिन से मैं गुड़गांव जा रहा हूँ लगातार उस हिमालय के लिए, क्योंकि वृंदावन में हिमालय वो फ्लॉप हो गई थी, तो हमने देख लिया है गुड़गांव में मिल गई है मुझे और बेस्ट कंडीशन है और सब कुछ। से टोकन मनी भी मैंने दे दी थी उस दिन। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया जब गुड़गांव गया था, मैंने थोड़ी बनाई थी लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैंने रख दिया था भाई, क्योंकि पोल्यूशन आपको पता ही है यहाँ पे कितना भयंकर वाला हो रहा है यहाँ पे भाई दिल्ली में। भाई सांस लेना इतना दुभर हो गया है कि 50 से जो है वो नॉर्मल है भाई, उससे ऊपर जाते ही भाई डेंजरस हो जाता है। चलो भाई 100 चला गया भाई वो डेंजरस मानते, लेकिन भाई साहब 600-700 और आनंद विहार की तरफ बता रहे हैं 1000 गया हुआ है भाई। ये सोच के देखो कि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आप सर्वाइव करना मुश्किल है भाई, बुरी हालत है। और दूसरी बात ये है भाई, अभी मैं बाइक लेने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे गुड़गांव में ही, और पेपर वगैरह करवाने के लिए थोड़ा टाइम लग गया था, तो अब देखते हैं भाई वहाँ पे चलते हैं पहले, क्योंकि टाइम दिया हुआ है मैंने उनको, भगवान से प्रार्थना करते हैं पहले और निकलते हैं भाई। भाई फाइनली अपनी वाली हिमालय आ गई है। हाउ योर एक्सपीरियंस नाउ? आई एम वेरी मच पेन। दोनों को चलानी नहीं आती है भाई, सीधी सीधी बात है। ही इज वेरी हैवी, लाइक दैट है वेरी हैवी एंड टोटली डिफरेंट फील इन कम कंपेयरिंग टू स्कूटी। या दिस इज ट्रू भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंट फीलिंग है क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं चलाई एक्चुअली, पहली बार मैं चला रहा हूँ हैवी बाइक, और इससे पहले भाई नॉर्मल वाली बाइक चलाई है, बाकी ये वाली बाइक पहली बार चला रहा हूँ। और ज़्यादा कर यूँ है कि भाई फादर वाली गाड़ी चलाई है मैंने, तो इस वजह से थोड़ा अलग अलग लग रहा है। यू आर ट्राई टू कैप्चर समथिंग। ओके भाई चलते हैं, अभी बहुत ज़्यादा वापस दिल्ली पहुंचना है वापस, तो टाइम अभी 4:30 के आसपास हो रहे हैं, तो निकलना है जल्दी से। वी गेट आउट फ्रॉम हियर वेरी फास्ट, 4:00 वर्स्ट सिचुएशन हुई थी। मैं बाइक लेने के लिए वहाँ पे चला गया और मैंने अकाउंट से जैसे ही ट्रांसफ़र करने की सोची भाई अकाउंट ही बंद हो गया,
तो भाई इतनी बेइज्जती वाली हो गई थी ना सिचुएशन वहाँ पे, क्योंकि पूरी फैमिली मेरे को देख रही है क्या हो गया क्या नहीं है। तो भाई फिर मैं उनको कह के आ गया, मैं ठीक है मैं दोबारा जब एप्लीकेशन वर्क करेगी दोबारा आऊँगा, क्योंकि ये यहाँ का नहीं है भाई, इंटरनेशनल की अकाउंट है तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो भाई फिर मैं बाहर निकला आया, वहाँ से रोड पे चला गया मेन रोड पे, और फिर वहाँ पे मैंने ट्राई किया दोबारा से, तो एप्लीकेशन वर्क करके और पेमेंट भी हो गया, ट्रांसफ़र हो गए मनी। तो ट्रांसफ़र होते ही फिर मैंने पहले तो उसको ट्रांसफ़र किए पहले, और फिर उसके बाद कॉल किया कि भाई मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे बाइक चाहिए अभी की अभी। और फिर भाई वहाँ से निकले 4:30-5 बजे के आसपास निकले हुए, तो अब पहुँचे हैं। अब कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, 7:15। तो अब गुड़गांव से यहाँ तक आया हूँ मैं दिल्ली तक, और बिल्कुल आराम आराम से चला के जा रहा था, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एक तो, क्योंकि इतनी हैवी बाइक मैंने पहले कभी चलाई नहीं है, मेन रीज़न तो यही है। और मुझे थोड़ा यूँ डर था कि यार किसी में टक्कर लग गई ना, और पूरे रास्ते जाम था, तो फिर थोड़ा भय लग रहा था यार, थोड़ा अजीब लग रहा था, पर यूँ है कि बेस्ट थी भाई, एक बैलेंस अच्छा है, बहुत हैवी बैलेंस है। और बाइक यूँ है कि 410 cc की है, तो यानी बुलेट है उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा हैवी पड़ती है, तो ज़्यादा हैवी पड़ रही है भाई बाइक, तो अनबैलेंस तो नहीं होती बाइक, बिल्कुल अनबैलेंस नहीं होती। बाकी जो कल्च वाले तार है ना भाई, वो बहुत हैवी है, उनको बस से संभाल के रखना पड़ता है। तो भाई अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैठा हूँ कॉफ़ी के लिए, और कॉफ़ी फिनिश करने के बाद फिर वापस घर जाऊँगा, क्योंकि भाई पूरे दिन का काम भी आज नहीं हुआ है। मैंने सोचा था 2-3 घंटे में फिनिश करके आ जाऊँगा, फिर ऑफिस का काम कर लूँगा, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भाई, तो वो पेंडिंग बैठा, वहाँ से कॉल आ रही है बार बार काम कंप्लीट करना है। तो भाई अब जाके वापस लैपटॉप पे बैठूँगा, 1-2 बजे तक काम करूँगा रात को, फिर कल आपको बात करते हैं, कल एक प्रॉपर तरीके से ब्लॉग बनाते हैं हिमालय पे, और आप लोगों को उसके रिव्यू देता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से, तो सारे राम राम, सारे खुश रहो, हर खुशियाँ बांटते रहो, राम राम जी, राम राम जी, बाय बाय।